हेलो एवरीवन, दिस इज कार्तिक अस्वाल। सो गाइस, आज की वीडियो में आपके लिए क्या बात करने वाला हूँ, ट्रिपल एम का कट ऑफ बढ़ेगा या घटेगा, कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं गाइस। लेट्स इंट्रो गाइस। सो हैप्पी जन्माष्टमी ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो देखो यार कि इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, चैनल सब्सक्राइब कर देखना। ट्रिपल एम से जो भी लेटेस्ट अपडेट आने वाली है, रिजल्ट से लेकर काउंसलिंग तक सब कुछ बताने वाला वीडियो में। ठीक है, तो देखो यार इस वीडियो में लास्ट तक देखिए, पता चलेगा आपको कट ऑफ क्या होने वाली है इस बार। तो देखो यार, हमारे पास इंस्टा पर बहुत सारे बच्चों के लगातार मैसेजेस भरे पड़े थे पूरे मैसेजेस कि भैया ट्रिपल एम में इस बार कट ऑफ क्या जाने वाली है, क्या हम पिछले साल का कट ऑफ लेके पिछले साल का हमें कट ऑफ देखूं या पिछले साल का मार्क्स देखूं, क्या इस बार वही सेम रहने वाला है। ये इस बार का लगातार क्वेश्चन हमारे पास बन रहा है, ट्रेंडिंग समझ सकते हो क्वेश्चन चल रहा है इस समय। उस पर देखो यार, मेरा क्या है, देखो यार हमारे पास दो फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर ये है, एग्जाम आपका लेट से हुआ, ठीक है, तो उससे दोनों फैक्टर ध्यान से सुनेगा। पहले एग्जाम आपका लेट से हुआ है तो बच्चे ज्यादा एग्जाम भरेंगे, फॉर्म भरेंगे, ठीक है, बच्चे ज्यादा फॉर्म भरेंगे और बच्चों का तैयारी ज्यादा होगा। सबसे मेन बात यह है, आपका जितना ही लेट, जैसे मान लो यूपी 2 का एग्जाम और डेट बढ़ा रहा है, तो और कुछ बच्चे फॉर्म भर रहे हैं कि नहीं भर रहे हैं, और बच्चे अच्छे बच्चों को प्रिपरेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जितना ही लेट एग्जाम होगा उतना क्या होगा, प्रिपरेशन ज्यादा होगा तो मार्क्स बच्चे ज्यादा गेन करेंगे। इसलिए आपका क्या हो सकता है, इस बेसिस से हमको क्या लग रहा है कि कट ऑफ क्या होने वाली है, इस बार कुछ ज्यादा जाने वाली है, ठीक है। लेकिन हमारा सेकंड फैक्टर है, जो मैंने बोला एक दोनों फैक्टर ध्यान देने की जरूरत है। सेकंड फैक्टर है कि यार हर सेंटर पे, हर रूम में 28 बच्चों 24 बच्चों को बैठाया गया था, उसमें क्या हुआ था कि बहुत सारे बच्चे अब्सेंट थे। तो अब्सेंट की बात किया जाए, मतलब 80-90% ही बच्चे आपके एग्जाम दे पाए थे, समझ लीजिए 10-15% बच्चे अब्सेंट थे। सेकंड फैक्टर ये बनता है कि भैया तब कट ऑफ कम जानी चाहिए। ये दोनों क्वेश्चंस लेके हमारे पास लगातार क्वेश्चंस बच्चों के आ रहे हैं, किसी का ट्वीट आ रहा है तो किसी का इंस्टा पे मैसेज आ रहा है, आपका भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो यार। तो पहले इस क्वेश्चन को पूरे ध्यान से देखते हैं। देखो यार ये जो बात है कट ऑफ की, ठीक है, तो जो पिछली बार आपका कट ऑफ गया था भाई कि सीएस आपको मिलेगा 450+ पे, इस बार क्या होने वाला है, अबाउट 5-10 मार्क्स का अंतर आने वाला है। कट ऑफ थोड़ा सा कट ऑफ बढ़ने वाला है, क्योंकि यार हर चीज का कट ऑफ बढ़ेगा। तुम यूपी 2 ले लो, जेई मेंस, इसमें मैं बोल रहा हूँ प्रिपरेशन तगड़ा होना चाहिए पूरा, क्योंकि तो जितना ही डेट पोस्टपोन हो रहा है, जितना ही डेट आगे बढ़ रहा है, बच्चे उतना ही अपना क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं यार, समझ रहे हो। तो आप लोग का क्या होने वाला है, कट ऑफ 5-10 मार्क्स समझ लो बढ़ने वाला है, पूरा जोड़ के रख लो यार। मैं नेक्स्ट वीडियो आने वाली है कि भाई कितने मार्क्स पे इस बार मिलने वाला है, हर ब्रांच का विश्लेषण करेंगे कि भाई सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में मिलेगा, केमिकल इस पे मिलेगा, सीएस पे मिलेगा, सारा कुछ बात करने वाला है कितने मार्क्स पे इस बार कौन सा ब्रांच मिलने वाला है, ठीक है। सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर, ठीक है। लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन मैंने ऑन कर दीजिए, क्योंकि लेटेस्ट वीडियो आपके पास आपके तक पहुंच सके यार। सबसे बड़ी बात है, ट्रिपल एम ने मॉक टेस्ट जो मैंने कराया था, लगभग 2K+ स्टूडेंट ज्वाइन किए थे यार वीडियो को, ठीक है। 4 महीने मॉक टेस्ट कराए थे, लगभग आपके 30-40% क्वेश्चन सारे उसी से मिले थे, समझ सकते हो। अगर मैं देखूं कि उस फॉर्मूले से रिलेटेड आए थे तो 60-70% बोल सकते हैं, लेकिन जो डायरेक्ट क्वेश्चंस उससे लिए गए थे भाई 30% लगभग क्वेश्चंस उससे लिए गए थे। इसलिए यूपी 2 जो ज्वाइन करना चाहता है क्रैश कोर्स, वो मैंने लेटेस्ट वीडियो बना रखी है यूपी 2 पे, डेली मॉक टेस्ट चल रहा है, ठीक है। तो ट्रिपल एम पे ये मेरा लेटेस्ट अपडेट था कि भाई कट ऑफ इस बार बढ़ने वाली है, 5-10 मार्क एक्स्ट्रा समझ के रखो यार, ठीक है। पिछले बार कहीं ना देखो कि भाई इतना पे मिल गया था, ठीक है, कि 450 मिल गया था, समझो इस बार 455 मिलेगा, 460 मिलेगा, 5-10 नंबर आपका कट ऑफ बढ़ेगा। ये इस वीडियो से पूरा क्लियर कर लेने की जरूरत है, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ट्रिपल एम अगर किसी का एग्जाम छूट गया है तो यूपी 2 एग्जाम का अभी डेट है, ठीक है, डेट लगातार बढ़ रहा है, आप लोग क्या कर सकते हो, एग्जाम भर सकते हो, ठीक है। डेट था 10 अगस्त तक, उसके बाद अगर डेट एक्सटेंड हुआ आप लोग भर सकते हो, ठीक है, क्योंकि लगातार यूपी 2 के डेट्स बढ़ रहे हैं और यूपी 2 का प्रिपरेशन अच्छी तरीके से करके ट्रिपल एम का एग्जाम छूट का यूपी 2 का नहीं छोड़ना, यूपी 2 पूरा फोड़ना है, क्योंकि यूपी 2 का मॉक टेस्ट मैं लगातार आपके साथ ले रहा हूँ यार, ठीक है। तो बने रहिए चैनल पे एंड लाइक कमेंट एंड शेयर फॉर मोर वीडियोज़।